नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी कि जो एनिमल लेने से पहले हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद एकदम एनिमा नहीं लेना चाहिए। खाना खाए हुए जब 3 घंटे हो जाएँ या नाश्ता करे हुए जब 3 घंटे हो जाएँ तब आप एनिमा ले सकते हैं। इसके अलावा एनिमा लेने के लिए हल्का गर्म पानी यूज़ करना चाहिए। अगर व्यक्ति तंदुरुस्त है तो ताज़ा पानी भी यूज़ कर सकता है। ताज़ा पानी यूज़ करने से आंतें स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो नसें कमज़ोर हैं या मरी हुई नस हैं वो फिर से जागृत हो जाती हैं, वो फिर से ताकतवर हो जाती हैं। तो ताज़ा पानी बड़ी आंत को मजबूत बनाता है, नसों को ताकत देता है, सोई हुई नसों को जगाता है। एक बात का और ध्यान रखना है कि एनिमा लेते समय ज़्यादा ठंडे पानी का एनिमा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ठंडे पानी का एनिमा लेने से आंतों में अकड़न होती है, ऐठन होती है। तो ठंडे पानी का एनिमा लेना चाहिए लेकिन बहुत ठंडे पानी का एनिमा नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जब ज्वर की स्थिति हो तो गुनगुने पानी का एनिमा लेना चाहिए, क्योंकि ज्वर की स्थिति तभी आती है जब शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, और उस वक्त अगर हम एनिमा ले लेते हैं तो शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है, बल्कि रास्ते बाहर चली जाती है और ज्वर बहुत जल्दी उतरने लगता है। जब आप एनिमा ले रहे हों तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ भी हम एनिमा ले रहे हों, अगर तख्त पे ले रहे हों तो जो साइड हमारी पैरों की तरफ होती है उस साइड को हमें ऊंचा रखना है और सिर की तरफ हमें नीचा रखना है। तो अगर तख्त पे एनिमा ले रहे हों तो पैरों की साइड पर एक एक ईंट लगा दें, जिससे कि तख्त ऊंचा हो जाए। और यदि आप ज़मीन में चटाई बिछा करके एनिमा ले रहे हों तो एनिमा लेते समय कमर के नीचे तकिया रख लें, जिससे आपका हिप वाला पोर्शन ऊंचा हो जाए। ये हम इसलिए करते हैं ताकि पानी जो है आसानी से हाथ के अंदर चला जाए। जब एनिमा लेते हैं तो इसे हम 3 तरह से ले सकते हैं। जैसे एनिमा लेते हुए सीधे लेटकर एनिमा ले सकते हैं, बाई करवट एनिमा ले सकते हैं, या फिर उकड़ू होकर के एनिमा ले सकते हैं। एनिमा लेने के बाद पानी को जितनी देर आंत में रोक कर रख सकते हैं, रोक कर रखना चाहिए, होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जितनी देर पानी आंतों में रुका रहेगा तो आंतों में पड़ा हुआ जो मल कठोर हो गया है वो घुल जाएगा, और जब हम मोशन के लिए जाएंगे तो अच्छी तरह से मल बाहर पास होगा और बार बार एनिमा लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मैडम, हमने 3 दिन एनिमा लिया और उसके बाद एनिमा लेना बंद कर दिया और मोशन आना भी बंद हो गया। तो मैडम, यह स्थिति तो बड़ी ख़राब है, इस तरह से तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपको इस तरह से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको एनिमा तभी लेना पड़ता है जब आपका मल पूरी तरह से पास नहीं होता। आपकी आंतें स्लो काम करती हैं, तो स्लो काम करने की वजह से एनिमा लेने के बाद 1 दिन का समय लग जाता है और 1 दिन बाद अपने आप ही मोशन आने लग जाता है। कई बार ये भी प्रश्न पूछते हैं कि मैडम, बवासीर में, अल्सर में या आंतों में जख्म हो रहा हो तो एनिमा ले सकते हैं? तो आप एनिमा ले सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी प्रेशर से अंदर ना जाए। तो पानी प्रेशर से अंदर ना जाए इसके लिए आपको एनिमा पॉट थोड़ा नीचे करके लगाना पड़ेगा, जिससे पानी बहुत ही स्लो गति से धीरे धीरे अंदर जाए और आपके जख्मों को दिक्कत ना हो। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि मैडम, एनिमा रोज़ ले सकते हैं या हम दोनों टाइम एनिमा ले सकते हैं? तो आप सुबह शाम एनिमा ले सकते हैं। शौच जाने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप एनिमा ले सकते हैं, बेफिक्र होकर एनिमा ले सकते हैं। एनिमा लेने से 10 मिनट पहले 2 गिलास हल्का गर्म या ताज़ा पानी पी लेना चाहिए। जब 2 गिलास ताज़ा पानी या हल्का गर्म पानी पीते हैं तो उससे हमारे मलाशय पर प्रेशर पड़ता है, और जब एनिमा लेते हैं तो बहुत अच्छे से पेट साफ हो जाता है। जब आप एनिमा लेना चाहें और अगर आपके पास समय है तो आप पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रखें या गर्म ठंडी सिकाई करें। उसके बाद जब एनिमा लेते हैं तो आंतों से मल बहुत अच्छी प्रकार से निकल करके आता है। एनिमा लेने के लिए हमें इस तरह के पॉट का इस्तेमाल करना होता है। ये एनिमा पॉट मार्केट से आपको मिल जाता है, और इसमें पीछे ये एक होल बना हुआ है जिससे आप इसको दीवार पर टांग सकते हैं, और इसमें निशान भी बने हुए हैं 250 ml,
500 ml, 1 लीटर, इस तरह के निशान भी बने हुए हैं। तो हमें 1 लीटर पर निशान देख करके पानी भरना है और हल्का गुनगुना पानी भरना है। और ये एक पाइपलाइन है जो इससे अटैच हो जाती है, ये आप देख रहे होंगे पाइपलाइन। इसमें एक ये नोजल सा बना हुआ है जिससे पानी को रोकने के लिए प्रेस करते हैं और इसको हटा देते हैं। तो इस पाइपलाइन को हम इससे अटैच कर लेंगे और दूसरी साइड जिधर ये आप देख रहे हो कि दबाने वाला लगा हुआ है, इससे पानी को हम रोक सकते हैं और खोल सकते हैं। इसमें इसके साथ ये मिलता है, इसके साथ हम इसे अटैच कर देंगे। और एक ये 11 नंबर का कैथेटर मिलता है मार्केट से, जिसको हम इसके आगे अटैच कर देंगे। पहली बार एनिमा ले रहे हो और मार्केट से ये न्यू आपकी ट्यूब हो तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके जम्स फ्री कर लें। और इसमें इस इतने इंच तक, 2-2.5 इंच तक कोई चिकना पदार्थ लगा लें, जैसे ऑयल लगा लें या कोई वैसलीन लगा लें, जिससे कि जब आप इसे अपने एनल वाले पार्ट में इंसर्ट करें तो आपको दिक्कत ना हो, आराम से ये अंदर चला जाए। तो जब आप इस पार्ट को अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद ये जो पार्ट लगा हुआ है इससे इसको, अभी तो पहले दबा हुआ है इस तरह से तो पानी रुका हुआ है, जब आपको पानी अंदर पहुंचाना है तो इसको यहाँ से ओपन कर लें और जब पानी धीरे धीरे पहुंच जाए अंदर तो इसको दबा दें। और इससे पहले आपको ये ध्यान करना है कि पानी बस यहाँ तक जब आए तो बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बंद नहीं करेंगे तो एयर अंदर चली जाएगी और फिर अंदर जाके आपको दिक्कत करेगी। और जब एनिमा स्टार्ट करें उससे पहले भी थोड़ा सा पानी इस ट्यूब के रास्ते बाहर निकाल दें, जिससे कि इस पूरी पाइपलाइन में जो एयर है वो बाहर निकल जाए, उसके बाद आप इसका यूज़ करें। जब आप एनिमा ले लें तो इस ट्यूब को अच्छे से वॉश करके रख लें, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप यूज़ करें तो ये बिल्कुल क्लीन रहे। और अगर आप नई ट्यूब लेना चाहते हैं तो इसको फेंक दें और हर बार नई ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप एनिमा ले रहे हों और पूरा पानी ले लें और आपको ऐसा लगे कि आप होल्ड नहीं कर पाएंगे और पानी बाहर निकल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आप होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, तुरंत टॉयलेट जाइए और वहाँ जाकर बैठ जाइए, कोई प्रेशर मत लगाइए। पूरा पानी जब बाहर निकल जाए तो वापस आप एनिमा रूम में आइए और दोबारा से एनिमा ले लीजिए। अब जब आप एनिमा लेंगे तो आपको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप 5 से 10 मिनट तक होल्ड कर सकेंगे और फिर मल पानी के साथ घुल करके बाहर निकल जाएगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस होती है उनको एनिमा लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गैस का प्रेशर होता है और जब हम पानी एनिमा के द्वारा लेने लगते हैं तो पेट में कई बार दर्द महसूस होता है। तो जब आपको पेट में दर्द महसूस हो तो पानी को वहीं स्टॉप कर दें और थोड़ी देर अपने पेट पर बाएं से दाएं हाथ को घुमाएं, थोड़ी ही देर में दर्द शांत हो जाएगा। फिर आप दोबारा पानी को खोलें और पूरा एनिमा ले लें और उसके बाद आप मोशन के लिए चले जाएं। जब भी आप एनिमा लेते हैं तो एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि एनिमा लेने के तुरंत बाद जब आप फ्री हो जाएं तो आपको कुछ भी एकदम खाना पीना नहीं है, थोड़ा सा गैप रखना है, 20 से 30 मिनट का गैप रखना है, उसके बाद जो भी आप खाना चाहें वो आप खा सकते हैं। और जब पेट साफ रहने लगे तो एनिमा लेना बंद कर दें। जब आप उपवास कर रहे हों और फलाहार पे हों या रसाहार पे, तो उस वक्त एनिमा ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम फलाहार पे होते हैं या रसाहार पे होते हैं तो हमारा शरीर गंदगी को तेज़ी से बाहर निकालता है, क्योंकि उसके पास और ज़्यादा काम नहीं होता, उस समय वो गंदगी बाहर निकालने का काम करता है। तो ऐसे समय में एनिमा लेने से शरीर में बहुत ही आराम मिलता है। अगर आपको कोई नया रोग स्टार्ट हुआ हो, जैसे सीजनल रोग भी होते हैं, खांसी जुकाम बुखार, तो ऐसी स्थिति में एनिमा लेकर के पेट को साफ कर लेना चाहिए। दवाइयां लेकर के रोग को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम रोग को दबाते हैं दवाई लेकर के तो वो जीर्ण रोगों में तब्दील हो जाता है। अगर आपके रोग पुराने हो गए हैं जिनके लिए आपको हमेशा दवाई खानी पड़ती है, तो ऐसे में अगर आप सप्ताह में 1 या 2 बार फलाहार पर रहें और एनिमा लें, तो आपके जो पुराने रोग जिनकी तीव्रता से आप परेशान हैं उनकी तीव्रता कम हो जाएगी, धीरे धीरे रोग समाप्त होने लगेंगे।
अब आप जान गए होंगे कि एनिमा लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और एनिमा लेने से हमारे शरीर को कितने लाभ मिलते हैं, कितने रोग समाप्त हो जाते हैं। जो नए रोग हैं वो तो 99% तक समाप्त हो जाते हैं, और जो पुराने रोग हैं उनमें भी एनिमा लेने से धीरे धीरे लाभ होना शुरू हो जाता है। आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।